भारतेर सबचेये धनी उकिल के चेनेन? एकबार सवाल करते तिनी कत टाका नेन शुनले आपनार चोख कपाले उठबे। प्रतिदिन 30 लक्ष टाका करे पारिश्रमिक नेन एई उकिल। आम्बानी थेके टाटा, भोडाफोन थेके एयरटेल समस्त बड़ बड़ कोम्पानी विपदे पड़लेई छुटे जाय एई आईनजीबीर काछे। बड़ बड़ तारका शिल्पपतिरा सबाई तार क्लायेंट। भद्रलोकेर नाम हारिश सालवे। बलिउडेर सलमान खान थेके दक्षिणेर आलू अर्जुन समस्त बड़ बड़ सेलिब्रिटीरा एई आईनजीबीर क्लायेंट। मुकेश आम्बानी, अनिल आम्बानी किंबा रतन टाटार हुए कोर्टे ओकालती करें सालवे। शुधुमात्र कयेक घंटा तादेर हुए कोर्टे ओकालती करार जोन्नो 30 लक्ष टाका पर्यन्त पारिश्रमिक नेन सालवे। अवश्य टाका दिते तार क्लायेंटरा कखनो कार्पण्य बोध करेन ना, कारण केस हारिश सालवेर हाथे पड़ा माने सेई मामलाय जय निश्चित, एटा सकलेई जानेन। हारिश सालवेर जन्म एकटा अभिजात माराठी परिवारे। बाबा चार्टार्ड अकाउंटेंट, मा डाक्तार, दादू छिलेन दापुटे क्रिमिनल लयार। एरकम बाड़ीर छेले जे एकजन केउकाटा होते चलेछेन ता प्राय सबाई जानतेन। बाबार मतो चार्टार्ड अकाउंटेंट हवार स्वप्न देखतेन हारिश, सेई मतोई पढ़ाशोना करते शुरू करेन तिनि। चार्टार्ड अकाउंटेंट हवार जोन्नो परीक्षा दिए पास करे जान खूब सहजेई, किन्तु बेश कयेकदिन चार्टार्ड अकाउंट अफिसार हिसेबे काज करार पर तिनि आईन निये पढ़ाशोना शुरू करेन। नागपुर यूनिभार्सिटी थेके निजेर आईनेर डिग्री लाभ करेन हारिश सालवे। आईन पास करे इंटर्न हिसेबे जोग देन एकटी नामी कोम्पानीते। एई कोम्पानीते इंटर्न थाकाकालीन तिनि तुखुरे काज करेन। हारिश सालवेर एई काज देखे ताके सेई कोम्पानीर एकजन स्थायी आईनजीबी हिसेबे नियुक्त करा हय। सेई थेके शुरू। खूब कम समये हारिश सालवेर ख्याति चारदिके छड़िए पड़ते थाके। देशेर कोटी कोटी टाका निये जखन विजय मालिया किंबा मेहुल चोस्किर मतो चोरेरा देश छेड़े पालिये जान तखन भारतीय बैंकेर हुए मामला लड़ेछिलेन एई हारिश सालवे। तबे हारिश सालवेर बिरुद्धे बितर्कও कम आसेনি। भोडाफोনের বিরুদ্ধে भारत सरकार प्राय 20,000 कोटी টাকার टैक्स ফাঁকির মামলা করেছিল। সেই ভোডাফোনের হয়ে মামলা লড়েছিলেন হারিশ সালভে। হাইকোর্টের রায়ে তিনি হেরে গেলেও সুপ্রিম কোর্টে তিনি ভোডাফোনকে জিতিয়ে দেন। সালমান খানের কেস লড়ার জন্য হারিশ সালভেকে নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। ফুটপাতে গাড়ি উল্টিয়ে 2 ফুটপাতবাসীকে মারার জন্য সালমান খানকে 5 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। হারিশ সালভের সওয়াল জবাবের কারণেই মামলা সাসপেন্ড করে দেন বোম্বে हाई कोर्ट। आसले हारिश सालवे एकजन दूधे उकिल, कारो थेके पारिश्रमिक निलेई ताके जितिये देवाई एकमात्र लक्ष्य हुए दाड़ाय हारिश सालवेर। तबे पाकिस्ताने बंदी थाका भारतीय कुलभूषण यादवेर केसटी सालवेर जीवनेर अन्यतम गुरुत्वपूर्ण एकटी केस। जे उकिल कयेक घंटा ओकालतिर जोन्नो लक्ष लक्ष टाका पारिश्रमिक दाबी करेन सेई हारिश सालवे एई केस लड़ार जोन्नो सर्वमोट 1 টাকা पारिश्रमिक नियेछिलेन। 2017 साले पाकिस्तानेर एकटा आदालत कुलभूषण यादवके मृत्युदण्ड देय। भारत सरकार এই রায়ের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে আবেদন জমা দেয়। সেই সময় ভারত সরকারের হয়ে এই কেস লড়েছিলেন হারিশ সালভে। তার সওয়াল জবাবে নাস্তানাবুদ হয় পাকিস্তান। সালভের কারণেই ভারতীয় কুলভূষণ যাদবকে মারতে পারেননি চক্রান্তকারী পাকিস্তান সরকার। তাই কুলভূষণ যাদবের কেসটিকেই সালভে নিজের ক্যারিয়ারের সবথেকে বড় সাফল্য বলে মনে করেন। মাঝে মাঝে সুপ্রিম কোর্টেরও হারিশ সালভের থেকে বিভিন্ন সাজেশন চাইতে হয়। হ্যাঁ, ঠিক এতটাই মেধা রয়েছে এই মানুষটার। সফল লোকের নামের সঙ্গে বিতর্ক তো জড়িয়েই থাকবে, তা সত্ত্বেও এটা স্বীকার করতেই হবে হারিশ সালভেই হলেন ভারতবর্ষের সেরা আইনজীবী। আপনি সবসময়ে ভালো থাকুন স্যার।